आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हर व्यक्ति धन के लिए परेशान है। धन कहीं फंस गया है या आ नहीं रहा है, या न जॉब में तरक्की नहीं है, या व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो ऐसे कुछ उपाय जिन्हें हर घर की महिला और पुरुष दोनों को करना चाहिए। अगर घर के पुरुष नहीं कर पाते हैं तो महिलाएं कर लें। इन प्रयोगों में ना तो आपको अपनी राशि देखने की आवश्यकता है, ना लग्न। इन धन के उपायों को कोई भी व्यक्ति करके अपने धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकता है और सुख समृद्धि के अपने द्वार को स्वयं अपने ही प्रयासों से खोल सकता है। भाग्य का साथ मिले इसके लिए इन प्रयोगों को हर घर में महिला पुरुष संभव हो तो दोनों करें, नहीं तो कम से कम घर की महिलाओं को अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अवजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके साथ ही आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या मेरे वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से मिलते रहें। दोस्तों, धन की आवश्यकता हर सभी को है और अधिक चाहिए। इतना धन चाहिए कि हमारी अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो, लग्जरी लाइफ जिए, हमारे पास सभी तरह के सुख संसाधन हो, हमारे पास हो, हमारे बच्चों के जीवन में भी सारी सुख समृद्धियां हो। हर माता पिता यही चाहता है कि जीवन में किसी भी तरह का कोई कष्ट ना रहे। लेकिन दोस्तों, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे जन्मांक में जितना भाग्य में धन लिखा है उतना ही हमें धन प्राप्त होता है प्रयासों से। उसके लिए आपको कार्य तो करने ही होते हैं, लेकिन जब आप इन उपायों को भी करने लगते हैं तो इससे आपका भाग्य साथ देने लगता है, आपकी कुंडली के वो ग्रह अनुकूल होने लगते हैं और आपको उनसे धन लाभ होने लगते हैं। तो पहला उपाय, इससे आप किसी भी शुक्रवार को शुरू करके आपको हर शुक्रवार को करना है, ये आपको करना है रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में। इस प्रयोग को चाहे तो घर की महिलाएं कर लें और चाहे पुरुष कर लें, दोनों करते हैं तो अति उत्तम है। हर शुक्रवार को करना ही करना है आपको। करना क्या है, स्वच्छ साफ कपड़े पहन लीजिए, घर के मंदिर में घी का दीपक जला लीजिए, एक चांदी का सिक्का रख लीजिए। अब यहाँ पर धूप दीप जलाइए, थोड़ा सा लाल कलावे की बाती लगाइए दीपक में, और साथ में एक कपूर का टुकड़ा घी के दीपक में डाल लीजिए, चांदी का सिक्का रखिए। अब ओम श्रीम श्रीह नमः, इस मंत्र की आप 108 तीन माला पांच माला जितना आप कर सकते हो उतना जाप कीजिए। श्री सूक्त आता है तो श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। इनको पाठ करने के बाद इस सिक्के को उठाकर आप अपने धन स्थान में रख दीजिए, गुलाबी रंग के कपड़े में बांधकर, तो आपके पास धन निरंतर आना शुरू हो जाएगा। और हर वर्ष इसको सिक्के को आपको दान कर दीजिए, नया सिक्का फिर से रख लीजिए। तो इससे आपको कैसे भी धन से संबंधित समस्या होगी वो आपकी हल होने लगेगी। अगला, दोस्तों, आपका धन कहीं अटक गया है, फंस गया है, लोग चाहे वो व्यापार में हो या किसी को आपने दे दिया है, वो लौटा नहीं रहा है, नानुकुर कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहला उपाय, नियमित आपको तांबे के लोटे में कुछ लाल मिर्ची के सूखे बीज, जो लाल मिर्ची होती है उसके बीज होते हैं, कुछ दाने डालिए 5, 7, 10, 11, और नित्य सूर्य भगवान को सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको जल अर्पित करना है, ओम आदित्याय नमः, और नित्य अपने अटके हुए धन वापस आने की प्रार्थना करनी है। ये प्रयोग आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपका अटका हुआ धन आने के शीघ्र मार्ग खुल जाते हैं, उस व्यक्ति को सद्बुद्धि आने लगती है और वो आपका धन वापस करने के लिए प्रयासरत हो जाता है। इसी कड़ी में दोस्तों, कि धन आए भी, आपके पास अटका हुआ धन आए, उसके लिए आपको हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाना है, उसके अंदर सुपारी नहीं होनी चाहिए, ना तो उसके अंदर चूना होना चाहिए और ना ही सुपारी होनी चाहिए। नित्य आप हर मंगलवार को मीठा पान चढ़ाते हैं तो ये भी आपका अटका हुआ फंसा हुआ धन आपके पास दिलाने में आपकी सहायता करता है। अगला दोस्तों, आपको दो चांदी के सिक्के लेने हैं। किसी भी शुक्रवार को आप दो चांदी के सिक्के ले लीजिए, घर के मंदिर में रख दीजिए दोनों चांदी के सिक्के, और ओम श्रीम सिये नमः और शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला जाप कीजिए, और दोनों ही आपको प्रयोग रात में या शाम के समय करनी है। उसके बाद अगले दिन एक सिक्का अपने पीने के पानी में डाल दीजिए और एक सिक्का अपने घर के चावल में डाल दीजिए,
और चावल निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिए सिक्का उसी में रहना चाहिए और चावल निकालते रहिए। सिक्का पानी में डला है उसे हमेशा निरंतर पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि शुक्र चंद्रमा की राशि में उच्च के हो जाते हैं और चंद्र और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। चावल भी शुक्र का ही होता है प्रतीक, चांदी भी शुक्र का प्रतीक है। जब इसको आप चावल में दबा देते हैं तो ये आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं। तो ये प्रयोग भी आपके लिए बहुत अचूक है। इन प्रयोगों को कोई भी व्यक्ति करके धन लाभ कर सकता है। अब अगला प्रयोग जिसे मैं महा उपाय कहूंगी, आपके दुख दारिद्र को दूर कर सकता है, घोर दरिद्रता से आपको छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए आपको नियमित करना होगा, चाहे घर के पुरुष करें चाहे महिला करें। सुबह भोर में यानी कि सूर्योदय से पहले पहले आपको एक लोटा जल पीपल की जड़ में चढ़ा कर आना है। दीपक नहीं लगाना है, केवल जल चढ़ा कर आना है। चार दाने मीठे उसमें चीनी के डालिए, पीपल की जड़ में जल चढ़ाइए, तीन परिक्रमा कीजिए। अपनी घोर दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए माता मां लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए और अपने साथ अपने आपके घर में निवास स्थान बनाए रखने के लिए, आप पर कृपा बनाने के लिए, आपके घर पर आने के लिए आप उनको आमंत्रण दीजिए। ये आपको सूर्योदय से पहले पहले ही करना है, सूर्योदय के बाद इस प्रयोग को आप नहीं करें तो ये आपके घोर दरिद्रता, कैसा भी आपके जीवन में दारिद्र दुख योग लगा होगा उसको भी काट देता है। इतना शास्त्रों में वर्णित अचूक उपाय है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब तरह से आप निराश हो चुके हैं तो ये आप प्रयोग जरूर कर लीजिए। आपके दुख दारिद्र को काटकर आपके जीवन में संपन्नता आने लगेगी। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि नवग्रह पर आधारित है, इन प्रयोगों में ना तो आपको अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है ना लग्न। इन्हें कोई भी 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं और आपको क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, साथ में आपके भाग्य का साथ दिलाने लगते हैं। 9 जनवरी 2022 दिन रविवार, आज का राहु काल है 4:20 से 5:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक गुड़ा गुड़ का टुकड़ा लेना है और इसको आपको गाय को खिलाना है। अगर आप संभव हो अपने हाथ से खिला दीजिए, नहीं संभव है तो किसी अपने आपके जो काम वाले आते हैं, आपके जो भी आपके मेड हैं, आप उनसे गाय को डलवा सकते हैं। गाय को डालने की व्यवस्था नहीं है तो इस टुकड़े को आप किसी भी पेड़ की जड़ के नीचे भी रख सकते हैं जहाँ ये चींटियों का भोजन बन सकता है। तो आज आपको दिन भर अपने अटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके अटके कार्य पूरे होंगे, आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज का जो जादुई अक्षर है पवन वाला पा, इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाइए धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन पा ही होना चाहिए। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष पूछो जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वही प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा कुंडली का प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, आपको फीस देनी होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। इस संडे को दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन नहीं ले पाई हूँ क्योंकि कुछ व्यस्तता की वजह से, समय ना मिलने की वजह से मैंने आज कमेंट सेक्शन नहीं लिया है। अगले संडे से नियमित आपका कमेंट सेक्शन हो जाएगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।